नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की ओर मजबूत कदम बढ़ाने की दिशा में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत पहले चरण में 4 क्लस्टरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी आज हरियाणा में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गठित कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कचरे को डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। डंपिंग यार्ड में नवीन तकनीकों को अपनाते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके कचरे के निपटान के दौरान पर्यावरण को नुकसान न हो। और उन्होंने ये भी निर्देश जारी किए हैं कि शहरों के अलावा ग्रामीण स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाए और कोशिश की जाए अलग अलग तरह की संभावनाएँ भी तलाशी जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कचरा प्रबंधन की सही और व्यवस्थित तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके। अब देख रहे हैं पल पल के विशेष रिपोर्ट।